हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक दिख रहे हैं इस वीडियो में, हम वन बाई वन करके इन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें तो हम ब्लड की, तो एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में जिसका वेट 60 से 70 किलो होता है, उसमें देखें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। वहीं फीमेल में देखें अगर 50 से 60 किलो के बीच में, तो उस लेडी में 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर ब्लड होता है। और हीमोग्लोबिन का लेवल बात करें नॉर्मली, तो मेल में 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में वही देखें तो 12.5 से लेकर के 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक ये होता है। अब बात करें आरबीसी काउंट की, तो नॉर्मल मेल में 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है नॉर्मली, और फीमेल में आरबीसी काउंट नॉर्मली 4.5 से लेकर के 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। वहीं WBC की बात करें तो नॉर्मली 6,000 से लेकर के 8,000 मिलीमीटर पर क्यूब होते हैं। अब बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख मिलीमीटर पर क्यूब होती है। अब बात करने वाले हम ब्लड प्रेशर की, तो अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, यानी उसका जन्म 1 या 2 दिन हुआ है या 1 महीने का, तो उसका नॉर्मली जो बीपी होता है 90/55 mmHg होता है। वहीं अगर यंग अडल्ट की बात करें, 18 से 25 के बीच में अगर लेकर के चले हम, तो उसका नॉर्मली बीपी 120/80 mmHg होता है। वहीं बात करें हम ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में देखें जैसे कि अगर किसी की उम्र 60 से लेकर के 80 साल के ऊपर है या बराबर है, तो वहाँ पे नॉर्मली 150/90 नॉर्मली होता है। अगर किसी पेशेंट की एज 40 से 60 साल है, तो अगर उसका बीपी 140/90 आता है, तो उसे हम हाई कंसिडर करते हैं, उस पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है। पेशेंट का बीपी 180/120 mmHg आता है, तो इसका मतलब ये इमरजेंसी है और इसका तुरंत इलाज होना चाहिए, वरना तो स्ट्रोक या हेमरेज या फिर हार्ट अटैक पेशेंट को हो सकता है। अब बात करने वाले हैं हम बॉडी टेम्परेचर के बारे में, तो नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है 90.7 से लेकर के 90.5 तक हम फ़ारेनहाइट तक हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। अगर 95 है तो हाइपोथर्मिया है, पेशेंट को ठंड लग रही है, शरीर ठंडा हो रहा है, ये नॉर्मली से कम है। अब बात करने वाले हैं हम फीवर के बारे में, अगर लो ग्रेड फीवर है तो 99.5 से ऊपर लेकर के हम 100.9 तक कंसीडर करते हैं, पेशेंट को लोअर डिग्री का फीवर है। अगर हाइपरथर्मिया है, बुखार ज़्यादा तेज है, 100 से लेकर के 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम कंसीडर करते हैं। अगर हाई ग्रेड फीवर है, यानी हाइपर पायरेक्सिया है, तो उसमें 103 से लेकर के 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम कंसीडर करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम ब्लड शुगर के बारे में, यानी ब्लड में जो शुगर के लेवल है उसे हम डिस्कस करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, कंडीशन में बढ़ता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अगर फास्टिंग में देखें तो नॉर्मली 80 से लेकर के 100 तक हम कंसीडर करते हैं। खाना खाने के बाद 170 से 200 होनी चाहिए, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद 120 से 140 नॉर्मली होनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यानी उसका शुगर जो बढ़ रहा है स्टार्टिंग है, तो उस कंडीशन में फास्टिंग में हम 101 से लेकर के 125 के बीच में जो रीडिंग आती है उसे कंसिडर करते हैं। खाना खाने के बाद 190/120 तक हम ले करके चलते हैं, खाना खाने के बाद वो 140 से 160 हो सकती है। अगर पेशेंट डायबिटिक है, पूरी तरीके से उसे डायबिटीज़ हो चुका है, तो उस कंडीशन में फास्टिंग में भी आपको उसकी जो शुगर है 126 से प्लस मिलेगी, और खाना खाने के बाद वो 220 से लेकर के 300 तक जा सकती है, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद वो 200 प्लस तक हो सकती है। तो इस कंडीशन में मेडिसिन की ज़रूरत है, और इम्पेयर्ड में भी डाइट और ड्रग की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करने वाले हैं हम रेस्पायरेशन रेट के बारे में, यानी सांस के बारे में। तो नॉर्मली हम एज के हिसाब से डिस्कस करते हैं 1 मिनट में कितनी बार आदमी सांस लेता है। 1 साल का होगा तो 30 से 40 रेस्पायरेशन रेट पर मिनट हम कंसिडर करते हैं, 2 से 5 में 20 से 40, 6 से 10 साल का कोई है बच्चा तो उसमें 15 से 25, 11 से 18 की उम्र है तो उसमें 15 से 20, 18 से 70 के बीच में हम 12 से 20 के बीच में नॉर्मली कंसीडर करते हैं। अगर 70 साल से ऊपर है
तो उस कंडीशन में 15 से 20 हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब बात करने वाले हैं हम ऑक्सीजन के लेवल के बारे में, तो नॉर्मली कितना होता है, कम होने पे क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऑक्सीजन का लेवल 95 से 100 रहता है तो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं, 91 से 95 तक होता है तो इसका मतलब है पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर 90 से कम जा रहा है या 90 है तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, और 80 से 85 में ये इमरजेंसी है, इस कंडीशन में हमें अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे पेशेंट को तो मर जाएगा, और 67 से कम है तो पेशेंट में साइनोसिस मिलेंगे, हाथ पैर नीले हो जाएंगे और ये डेडली कंडीशन है, इस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है। अब बात करने वाले हैं हम हार्ट रेट के बारे में, उसे हम पल्स रेट भी बोल देते हैं। अगर 60 से कम है तो हम बोलेंगे लो है हार्ट रेट पेशेंट का, उस कंडीशन को हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। 60 से 90 पर मिनट को हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं, 90 से 120 पर मिनट होती है तो हम उसे हाई कंसिडर करते हैं, उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब बात करने वाले हैं हम बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। अगर किसी भी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो हम उसे अंडरवेट कंसीडर करते हैं, यानी उसका वजन कम है। किसी का 18.5 से लेकर के 24.9 है तो हम उसे नॉर्मली कंसीडर करते हैं। अगर किसी का 25 से लेकर के 29.9 है तो हम उसे ओवरवेट कंसीडर करते हैं, उस पर्सन को डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। अगर किसी का 30 से ज़्यादा आ रहा है बॉडी मास इंडेक्स तो उस कंडीशन में उसे मोटापा है, उसे मेडिसिन प्लस एक्सरसाइज दोनों की ही ज़रूरत है, प्लस उसे डाइट भी करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।